रिंबो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले मैथमेटिक्स सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 12 एक्सपोनेंट पावर, ट्राई दिस पेज नंबर 195। तो देखिए, हमने आपके लिए क्वेश्चंस ले लिया है, तो क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे और आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक स्टेटमेंट पता होने की ज़रूरत है। देखिए, फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए, ठीक ना, कोई भी नॉन जीरो इंटीजर ए जिसके लिए ए एम इंटू ए एन इक्वल टू होता है ए एम प्लस एन, ये जो है ना स्टेटमेंट आपने क्लास 7 में पढ़ाई किया था। आपने जो पढ़ाई किया था वो किया था नेचुरल नंबर के लिए, पर ये सेम चीज़ जो है ना वो इंटीजर के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब एम और एन अगर नेचुरल नंबर हो तब भी एप्लीकेबल है और इंटीजर है तब भी एप्लीकेबल है। तो देखिए, इसमें सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखिए, यहाँ पे जो ए है ना वो हो गया आपका -2, तो -2 -2 रहेगा, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए जो पावर है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -3 + -4, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए -2, तो यहाँ पे होगा -3। देखिए दो साइन है, एक बाहर में माइनस है और अंदर प्लस है, दो अगर डिफरेंट साइन इंटू हो रहा है तो यहाँ पे माइनस होगा, तो -4, तो यहाँ पे -2, यहाँ पे हो गया -7, ये हो गया आपका आंसर। देखिए P3 × P-10 बहुत ही सिंपल है, P यहाँ पे जो है ना वो ये हो गया, तो P पावर में देखिए पावर में 3 - 10, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा P-7, ठीक ना, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, 3² × 3⁻⁵ × 3⁶। तो देखिए यहाँ पे 3 जो है ना, 3 को आप ऐसे ले सकते हैं और यहाँ पे इंटू रहा है, तो तीनों का पावर जो है ना समअप हो जाएगा। तो देखिए पावर में क्या होगा, पावर में होगा 2 - 5 + 6, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हो गया 3, तो देखिए यहाँ पे 8 - 5, तो ये हो जाएगा आपका -3, ठीक है, तो आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ हमारा ट्राइजिस जो है वो ए पे कंप्लीट हुआ। तो देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमने जो आंसर लिखा ना वहाँ पे माइनस था, आपको माइनस समझ में आना चाहिए, इसीलिए हम दोबारा लिख देते हैं सब में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में, वीडियो में कन्फ्यूजन है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कमेंट से पूछे, हम आपके डाउट क्लियर करने की, आपके कन्फ्यूज करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने शेयर कीजिए और ऐसे करके आप वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब लेंगे आपको नोटिस मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।